गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कल हनुमान जी की बात आपसे की थी, जो सुसैन वैद्य के द्वारा बताई गई जड़ी बूटी को लेने के लिए गए थे, परंतु सुरसा ने आकर के घेर लिया और उन्हें अपने बचने के लिए मच्छर का रूप धारण करना पड़ा। अर्थात मच्छर से मतलब है अति लघु, बहुत छोटा सा रूप धारण करना पड़ा। ईश्वरीय तत्व हमें ऊपर उठाता है, परंतु कुत्सा और कुंठा ये हमें नीचे गिराती हैं। हमें इससे बचने का प्रबंध करना पड़ेगा। मात्र आदर्श को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी आकांक्षाओं को उसके साथ जोड़ करके उसके साथ चलना भी जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है। अगर आगे नहीं बढ़ रहे और पाप बन पड़ रहा है, तो आप ये समझना, आपको वो जानकारी तो हो गई, परंतु वो जानकारी आप में इतनी क्षमता को पैदा नहीं होने दे रही जो आपके जीवन में क्रियाशील हो सके। जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर जितना अंकुश लगा सकेगा, उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन की जो संभावना है वो जग सकेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा कहने का और कोई उद्देश्य नहीं है। इतने दिन के प्रवचन को सुनकर के आप ये समझ गए होंगे कि सच्चाई क्या है। परंतु अपनी तृष्णाओं, अपनी वासनाओं पर अंकुश ना लगने के कारण जिस तरह से हनुमान जी की बात कही, उन्होंने सुरसा के मुंह में से बचाने के लिए, सुरसा जो इतनी बड़ा मुंह है जिसका जो सब कुछ निगल जाए, उसके मुंह से बचने के लिए उन्हें अपना लघु रूप धारण करना पड़ा। हाँ बेटा, कुछ भी फायदा नहीं है सिर्फ कहने 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 से, आपको करना पड़ेगा। परिणाम कर्म का है। कल आपको खूब अच्छे से समझाया जा रहा था, केवल सोचने जानने का परिणाम नहीं है। जानकारी तो हो गई आपको, अब उसे अपने ऊपर लागू करना है। संयम के आधार पर जो बचत हुई है अपनी शक्ति की, उसे अपने कर्तव्य पालन में लगाना होगा। साधनों को लगाया जा सके तो
तो तभी कर्म का होना संभव हो सकेगा। ब्राह्मण तथा ब्रह्मवृत्ति के व्यक्ति साधु बनते हैं। आपसे बात की गई थी, जो कर्म को सही से निभाता है वही धर्मात्मा है। वही सूरवीर है, इसका अर्थ ये है महत्वाकांक्षाओं की त्रिविधि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका हमको दमन करना चाहिए, बस और कोई नहीं, हमें उनका दमन करना ही चाहिए। और कोई बात नहीं चल पाएगी। हमें उन वृत्तियों का अपनी चेतना में संचरण करके उसको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। जिसने आचरण से स्वभाव में अपने आप को ढाल लिया वही कर्तव्य प्राण बनेगा। ब्राह्मण वो है जिसमें संयम की वृत्ति है, जो आवश्यकताएं बढ़ाने में नहीं दुष्प्रवृत्तियों के दमन में अपने गौरव को समझता है। साधु का अर्थ है सहज, परमार्थ प्रायक परायण, सहज और परमार्थ प्रायण, उसका नाम है साधु, जिसमें ब्राह्मण वृत्ति नहीं उससे साधु के कर्तव्य का उत्तरदायित्व नहीं निभ सकेगा, उससे नहीं निभ सकेगा। मैं आपसे धर्म की बात कर रहा हूं और धर्म का दूसरा चरण चल रहा है जिसको संयम और कर्तव्य के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अर्थात संयम ही कर्म की ताकत है और वो ही आपको ब्राह्मण वृत्ति के अंदर बदलता है। लिप्सा का नियमन के बिना कर्तव्य धर्म का पालन नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे पर टिके हैं। कर्तव्य संयम पर टिका है, ऐसे ही लिप्सा भी असंयम पर टिकी है, वो संयम को तोड़ती है। यही हमारे अंदर उस सामर्थ्य को पैदा करता है जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं केवल केवल एक बात कहना चाहूंगा, हां बेटी नीलम, इससे नहीं हो सकता कोई भी ब्राह्मण। तिलक लगा लिया, माला जप ली, माला पहन ली, जनेऊ धारण कर लिया, ना इनसे नहीं बनता। उसके लिए बेटी अपने, मैंने अभी कहा जिस तरह से लोभ का संबंध लिप्सा से है,
हाँ बेटा, लिप्सा कहते हैं, जैसे मक्खी चाशनी पर टूट करके पड़ती है और उसी में लिप्त हो जाती है, लिपट जाती है और अपने प्राण दे देती है। इसलिए संयम बहुत जरूरी है कर्म करने के। सब जानते हो तुम, मैंने कहा इतने दिन के प्रवचन से, पहला चरण था सत्य और विवेक। आपको वो बताया गया, समझाया गया और आपको समझ भी आ गया, ये भी मैं मानता हूं आपको समझ भी आ गया, परंतु तो अपनी कमजोरी का क्या करें? संयम टूटता है, असंयम पैदा होता है। मैंने ही कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने ही कहा था, जब दंगे होते हैं तो बड़े बड़े संत महात्मा भी लूट के माल को लूटने लग जाते हैं, समाज की समय की धारा में बह जाते हैं। वो ही आदमी महान होता है जो मजबूती से अपने आप को पकड़ करके रखे, यानी कि उस समय भी जो अपने आप पर नियंत्रण रखे। अब मैं थोपना नहीं चाहता, पर निचोड़ रूप में आपको कह देना चाहूंगा कि जो ईमानदारी से संयम का पालन करेगा वो ही सत्य को निभा पाएगा। जैसे जैसे संयम बढ़े, वैसे ही वैसे हम में सत्य का भी प्रभाव बढ़े। सत्य का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब संयम दृढ़ होता चला जाएगा। इसलिए प्रमुखता एक ही बात पर आकर के टिकी है कि हमें संयम को भली भांति समझना चाहिए। जब तक ये समझ नहीं आएगा, आप अपनी वृत्ति को सहज नहीं कर सकते। आवश्यकताओं को बढ़ाने से नहीं, नियंत्रित करने से व्यक्ति का जीवन नियंत्रित रहता है। दुष्वृत्तियों का जो संबंध है वो भोग और लिप्सा से है। इसलिए हमें वहां से अपने आप को हटाना होगा, तभी धर्म पालन चलेगा और तभी आप दूसरे चरण से तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तभी आप दूसरे चरण से तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब आप सोचिए, मैंने एक ही चीज पर पूरा जोर लगा रहा हूं, एक ही चीज पर पूरा जोर लगा रहा हूं, वो है संयम। सारी बातें दिखावा बनकर के रह जाएंगी, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए पूरा जोर संयम पर लगाया जा रहा है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो आपको भी ये करना ही होगा। हर हालत में
संयम को प्रमुखता देनी होगी। तभी तीसरे चरण में हम प्रवेश कर सकेंगे, जिससे सभी को देवत्व की प्राप्ति होगी। जो ये ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है लाइव के माध्यम से, इसका उद्देश्य पूर्ण तभी होगा। मैंने आपको पहले बताया था, व्यक्ति के ऊपर भ्रम चढ़ा रहता है, भ्रम भरमाया रहता है व्यक्ति, और भ्रम के कारण अज्ञानता और भ्रम के कारण भय पैदा होता है। तभी व्यक्ति दूसरे से आशा करता है कुछ पाने की, वरना व्यक्ति इतना समर्थ है वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि देना ही चाहता है। विचार की शक्ति प्रचंड है, अपने अंदर देखिए, परंतु उसी की प्रचंड है जो सत्य को माध्यम बनाता है। जो प्रचंड है वो असीम है, अनंत है। परंतु एक बात और कहूंगा, अमर्यादित भी तो है। अगर संयम है तो असीम होने के कारण, अनंत होने के कारण उसके ऊपर संयम का आवरण आ जाएगा। संकुचित मत कहना, अनंत को स्वयं में बांध लेना, अनंत को स्वयं में बांध लेना, अर्थात स्वयं केंद्रित हो जाना, अपने आप पर अपना ही नियंत्रण लागू कर देना, इसी को स्वयं केंद्रित बोलते हैं। वरना इंसान सबसे अपेक्षाएं करता रहता है, अंदर से भिकमंगा बन करके मांग करता रहता है, यहां से ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। विचार जब घनीभूत होकर के संकल्प का रूप धारण कर लेता है, याद रखना उस समय पर प्रकृति अपना व्यतिरेक करके ऐसे व्यक्ति के रास्तों को खोल देती है। बिल्कुल बेटी, अपने विचार से ही व्यवहार में आपको आना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है बेटा, अगर आप अपने विचारों की सार्थकता करना चाहते हैं तो मर्यादित संकल्प को मर्यादित कर दें। प्रकृति आपको स्वयं रास्ता देगी, अपने नियमों को बदल देगी और आपके अनुकूल हो जाएगी। मनुष्य जिस तरह के विचारों का परिश्रय देता है, बस इतना भर आप कर लें
जैसे विचारों को प्रश्रय देता है उसके वैसे ही आदर्श हाव भाव रहन सहन उसी तरह से ढलते चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, शरीर में तेज मुद्रा ये भी वैसी ही बनती चली जाती हैं। बेटा जहां सद्विचारों की प्रचुरता होगी वहां वैसा ही वातावरण बनता चला जाएगा। जैसे आपने सुना होगा हिंसक पशु हिंसा को वहां छोड़ देते हैं जहां कोई साधु संत अपनी साधना को करता है। वातावरण के कारण वैसा प्रभाव छाता चला जाता है और हिंसक में भी सरलता आ जाती है। हिंसक जीव भी अहिंसक के साथ विचरण करते हैं, परंतु सच को देखिए, जहां घृणा द्वेष क्रोध ये सब का निवास हो विचारों के अंदर, जिसके विचारों में, वहां नरकीय परिस्थितियां अपने आप पैदा होती चली जाएंगी। एक बात कहना, अगर इस तरह की विचारधारा है तो अपने आप को अभागा कहना, अभागा, दुखी हूं, दीनहीन हूं, सदैव दीनहीनता की परिस्थितियों में पड़ा हुआ हूं, इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरव के विचार और उनकी प्रगति, उन्नति, स्वयं का द्वारा नहीं खोलेगी। अगर उस दरवाजे को खोलना है तो विचारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। गौरव युक्त विचार ही हमारी प्रकृति प्रगति के साधन बनते हैं। उत्साह, आत्मविश्वास हमारी प्रगति में बहुत बड़े साधन होते हैं। मनुष्य के विचारों में एक चुंबक तो पैदा होता है, अच्छाई के प्रति आकर्षण बढ़ता है, अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वैसा करते हैं तो उसी तरह के विचार आपके अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। मैंने विचारों की अमर्यादित धारा के बात की है। जिस तरह से नदी अपने किनारों के बीच में बहती रहती है तो सहजता सरलता के साथ बिना विनाश किए वो निरंतर समुद्र की तरफ दौड़ती रहती है, परंतु जब संयम का तटबंध तोड़ती है
तो विनाश ही अपने दोनों तरफ विनाश की लीला करती चली जाती है, तबाह कर देती है सबको। जो अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वही विचारों की सच्ची तप साधना है। ध्यान करेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा, ध्यान कीजिए। तप का प्रभाव तेज के रूप में आता है, प्रचंड विचारों की सामर्थ्य को अपने अंदर झांकिए, देखिए, अपने चिंतन में लाइए। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता, विचारों का उद्भव, प्रचंड चेतना, ऐसी चेतना जो प्रलय ला दे, अपने विचारों को घनीभूत करिए। इतने कस दीजिए, इतने दबा दीजिए कि घनीभूत हो जाएं। तन्मयता, एकाग्रता, बुराइयों को आग लग जाए, कोई भी कुविचार फटकने ना पाए। एकाग्रता, जितने व्यतिरेक हैं अपने तप बल से उनको हटाने का प्रयास करिए। सद्विचारों की प्रचुर मात्रा को पैदा करिए। अपने लिए, अपने विचारों के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करिए, वातावरण पैदा करिए। बिखराव को रोकिए, असंयम को हटाइए, संयम को लगाइए।
प्रचंड शक्ति धधकती हुई ज्वाला के रूप में, इतना तेज जो आए सब जल करके भस्म हो जाए, एकाग्रता तन्मयता कोई तो बंधन है जो हमें इसमें दलदल में से निकलने नहीं देता। संयम संयम संयम, अपने हाव भाव और हाव भाव से स्वभाव, गहनता शरीर में तेज, शरीर में मन में विचार और विचार में सद्भावों की प्रचुरता, एकाग्रता, कस करके ध्यान लगाएं, स्थिरता तन्मयता शिकायत नहीं हिमायत, अहिंसा सत्य प्रेम न्याय, इन्हीं पर अपने विचारों को घनीभूत करिए। आत्मा से विचार को जोड़िए, भावना से जोड़िए, उसके तेज से उसको प्रचंड बनाइए। कोई बात नहीं, नेट भी आएगा, अपने अंदर के नेट को चालू करिए। नेट को भगवान के साथ जोड़िए, गहनता सघनता विरलता रखी तो दुबराई चीज घुस जाएगी, इसलिए सघनता। आत्मविभोर आत्मविभोर
आत्मीयता से सराबोर, आग्रह को हटाइए, भ्रम को हटाइए, अज्ञानता को हटाइए, दोनों हाथ रगड़िए, भाव में खोए रहना, इसी भाव में खोए रहना पूरा दिन। कल विषय चेंज करेंगे, तीसरे चरण में चलेंगे। बस इसको पकड़ लिया तो तीनों पिछले, यानी कि दो चरण पूरे हो जाएंगे, दो दो उसके दोनों चरण पूरे हो जाएंगे। सत्य विवेक संयम कर्तव्य, यहां तक स्तर तक आप पहुंच जाएं, काम आगे का सरल हो जाएगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।